इस कहानी का नाम झूला और चुनौती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनके पास एक बहुत ही सुंदर झूला था। वो झूला बहुत ही पुराना था, परंतु बहुत ही सुंदर बनावट का था। लोग उस झूले को देखकर हमेशा प्रशंसा करते थे। एक दिन गांव के एक युवक ने उस झूले को खरीदने का मन बनाया। बूढ़ी महिला ने उसे झूले की कीमत बताई, जो कि बहुत अधिक थी। युवक ने सोचा कि वह इतनी ज्यादा रकम नहीं दे सकता, लेकिन वह उस झूले की लालच में भटक गया। उसने बूढ़ी महिला से कहा, मुझे इस झूले में बहुत रुचि है, परंतु मैं इतनी ज्यादा रकम नहीं दे सकता। क्या आप मुझे इसे कम कीमत पर नहीं बेच सकती? बूढ़ी महिला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसे कम कीमत पर बेच दूंगी, परंतु एक शर्त पर। ने पूछा, कौन सी शर्त है? बूढ़ी महिला ने कहा, तुम्हें इस झूले पर एक चुनौती लेनी होगी। अगर तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें इसे उसी कीमत पर दे दूंगी, जो तुम कह रहे हो। युवक ने सहमति दे दी। बूढ़ी महिला ने चुनौती दी, तुम्हें एक सप्ताह तक रोज इस झूले पर चढ़कर 100 बार झूलना होगा। युवक ने भी राजी हो लिया। वह उस झूले को खरीद लिया और प्रतिदिन उस पर झूलने लगा। पहले कुछ दिन तो उसे काफी मुश्किल हुआ, परंतु धीरे धीरे उसकी क्षमता बढ़ने लगी। एक सप्ताह बाद उसने बूढ़ी महिला के पास जाकर बताया कि उसने चुनौती पूरी कर ली है। बूढ़ी महिला बहुत खुश हुई और उसे झूले की कीमत पर दे दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, इच्छा और लगन से हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है।